रूफटॉप किचन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और हमारी प्रीवियस रेसिपीज को आप सब जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीर जो हम आज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास चिकन और मिक्स वेजिटेबल स्पैगेटीज, तो जो चीजें हमने चिकन और मिक्स वेजिटेबल स्पैगेटीज बनाने के लिए रेडी की है, आइए पहले उसका रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद अपनी कुकिंग का आगाज करते हैं। दो लीटर हम पानी लेंगे, उसको बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह और उसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और अब इसके अंदर हम स्पैगेटीज ऐड करते हैं 1 पैकेट। 450 ग्राम स्पैगेटीज हमने ऐड की है। अब इसको 10 से 12 मिनट तक हम बॉईल कर देंगे और उसके बाद इसको छान के निकाल लेंगे। और ये स्पैगेटीज बॉईल हो गई हैं, ये इनको निकाल लेते हैं और अच्छी तरह छान के पानी से धो लेते हैं। तो आइए स्पैगेटीज को हम छान लेते हैं और इसको वॉश कर लेते हैं पानी चला के। स्पैगेटीज को हमने अच्छी तरह धो लिए, तो आइए इसके बाउल में डाल लेते हैं सारी स्पैगेटीज को और इसके ऊपर 1 टीस्पून हम ऑयल डाल लेते हैं ताकि ये आपस में न जुड़े। अब इसको कवर करके अच्छी तरह रख दें। तो जी व्यूअर्स, आइए चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करते हैं, उसके बाद 1/2 टीस्पून रेड चिली ऐड करते हैं कुटी हुई, उसके बाद 1 टीस्पून गार्लिक और लहसुन की पेस्ट ऐड करते हैं और उसके बाद लेमन का जूस ऐड करते हैं 1 टीस्पून। आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं अगर लेमन ना हो तो। उसके बाद हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करते हैं इसके अंदर और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब चिकन को हमने सब चीजों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट करेंगे और उसके बाद इसको हम रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, ये चम्मच छोटा तो ये हम 6 ऐड करेंगे और बारीक चॉप की हुई लहसुन के 2 दाने ऐड कर लेंगे इसमें। 20 से 25 सेकंड तक इसको हमने भून लेना अच्छी तरह लहसुन को इसमें डाल के ऑयल में, ताकि इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। आइए इसमें अब चिकन ऐड करते हैं जो हमने मैरिनेट किया हुआ था 20 मिनट। चिकन को हम तेज आंच पे 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा फिर इसमें बाकी चीजें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। पांच मिनट हो चुके हैं तो चिकन को पकते हुए कलर भी व्हाइट हो गया। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करते हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करते हैं, 2 दर्द ग्रीन चिली ऐड करते हैं बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करते हैं, 4 टेबलस्पून केचप ऐड करते हैं, 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करते हैं विनेगर। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके पका लेते हैं। थर्टी सेकंड तक इसको पका लें अच्छी तरह। आइए अब इसमें प्याज ऐड करते हैं 1 छोटा कटा हुआ और उसके साथ गाजर ऐड करते हैं बारीक कटी हुई। इट्स अप टू यू, आप कितनी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं। अब इनको अच्छी तरह पका लेंगे 1 मिनट तक मिक्स करके। आइए इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं लिक्विड फॉर्म में। आइए इसमें हरा प्याज ऐड करते हैं थोड़ा सा 1/2 बाउल और उसके बाद शिमला मिर्च ऐड करते हैं 1 छोटी सी और उसके साथ बंद गोभी ऐड करते हैं उसका 1 छोटा सा फूल और 4 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट तक पका लें आप। इट्स अप टू यू, आप कितनी सब्जियां इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी सब चीजें अच्छी तरह पक चुकी हैं, तो आइए इसमें अब 2 स्पून ऑलिव ऐड करते हैं, ऑप्शनल है।
स्पेगेटीज को हमने सब चीजों के अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अच्छी तरह पका लिया, तो आइए इसको डिश आउट करके आपके सामने पेश करते हैं टेस्टी और मजेदार स्पेगेटीज। तो जी व्यूअर्स, आई होप आप सबको हमारी आज की रेसिपी स्पेगेटीज की जरूर पसंद आई होगी, तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप सबको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह जल्दी अगली रेसिपी के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे फ्रॉम देसी रूफटॉप किचन की तरफ से। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें। मैं फरहान फ्रॉम देसी रूफटॉप किचन की तरफ से आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।